हेलो गाइस, तो आज मैं पहुंच चुकी हूं गुलमर्ग। सो अभी एक घंटा पहले ही मैं यहां पे पहुंची थी, थोड़ा सा होटल में रेस्ट लिया, देन उसके बाद मैं अभी निकली हूं मार्केट। मार्केट के बाद कुछ ऐसी लोकेशंस है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूं। बहुत अच्छा व्यू है गाइस, रियली। सो कल मैं जाऊंगी गंडोला, जो कि ट्रिम्बल ट्रेन से जाते हैं, और यहाँ पर कुछ व्यूज़ हैं, व्यू पॉइंट्स हैं जो कि बहुत छोटे छोटे से हैं, लेकिन ये व्यू जो वेदर का और ये क्लाइमेट और ये सीनरी, ये बहुत ही अमेजिंग है गाइस। तो मैं ये आपको स्पेशली दिखाना चाहती थी, और यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी को स्टॉप करके यहाँ से कुछ कुछ लोकेशंस आपको दिखानी है मुझे, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे स्टॉप किया है अपना गाड़ी को। सो देखिए गाइस, प्लीज़ वाओ, बहुत ब्यूटी है गाइस, बहुत ही अच्छी। यहाँ पे देखिए आप, बहुत अच्छी लोकेशन है गाइस। सो ये हमें कहीं भी नहीं मिलता है, चाहे हम कहीं भी घूमने चले जाएं, ये लोकेशन, ये सीनरी, ये वेदर कहीं भी नहीं मिलता। इस होटल्स जो हैं कितने अच्छे व्यू पे हैं, पहाड़ियों के ऊपर, पहाड़ियों के नीचे ये होटल्स हैं। बहुत अच्छा व्यू है, आपको आराम से, अगर मैं बजट की बात करूँ तो होटल्स हमें नियर अबाउट 2000 से हमारे होटल्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। सो देखिए गाइस, ये व्यू देखिए आप, वाओ, बहुत अच्छा है। अभी टूरिस्ट काफ़ी आ चुका है, अगर हम बात करें टूरिस्ट की तो काफ़ी इस टाइम पे क्राउड है, तो बहुत अच्छा लगता है। अगर हम इवनिंग वॉक पे निकले, साइकिलिंग करने का इतना मज़ा आएगा गाइस, देखिए आप व्यू, रियली वाओ, अमेजिंग। देखिए गाइस, यहाँ पे लोग साइकिल पे जाते हैं, वॉक करते हैं। इवनिंग वॉक करना, मॉर्निंग वॉक करना बहुत ही बेटर लगेगा। हेलो गाइस, तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने स्टॉप लिया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे पहाड़ियों के ऊपर बादल और कितना अच्छा वेदर। नियर अबाउट यहाँ पे अभी जो टाइमिंग है वो 7:30 हो चुके हैं, और यहाँ पे सनसेट हो चुका है। इतना अच्छा कूल एक माहौल लग रहा है, बहुत अच्छा है। दूर से आप देख सकते हैं, छोटी सी मार्केट है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत छोटी सी है, बट बहुत ही एक किसी भी फॉरेन ट्रिप से कम नहीं है ये ट्रिप। सो प्लीज़ यहाँ पे आके अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ पूरा मज़ा लें इस वेदर का। गाइस, मैंने आपको कहा था मैं आपको एक जो यहाँ की गुलमर्ग की मार्केट है वो मैं दिखाऊंगी, बहुत छोटी सी मार्केट है, लेकिन फिर भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ताकि आप आएँ और अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए जो शॉपिंग करनी है या कुछ खाना है तो वो आप यहाँ पे खा सकें। सो आप देखिए यहाँ पे जो शॉप्स हैं वो आप देख सकते हैं, ये खाने की शॉप है, सब कुछ अवेलेबल है गाइस। कपड़े की शॉप्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे, आपको शॉल्स लेनी है यहाँ की, यादगार कुछ बनाने के लिए आपको शॉल परचेज करनी है, यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खाने पीने का, आपको डिनर लेना है, ब्रेकफास्ट लेना है, या फिर आपको कुछ और भी, चाय, कॉफ़ी, कुछ भी लेना है, तो आप यहाँ पे आराम से ये शॉप्स जो हैं, ये मार्केट से आप ले सकते हैं। बहुत छोटी सी मार्केट है गाइस, बहुत छोटी सी है, लेकिन सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ मिल जाता है इजीली यहाँ से, देखिए। सो सुबह मिलते हैं गाइस गंडोला के लिए, जब निकलूंगी मैं तो फिर वीडियो शूट करूंगी, फिर मिलते हैं गाइस। देखिए गाइस, मैं आपको होटल्स दिखाने लगी हूँ यहाँ के, ये गुलमर्ग में होटल्स हैं जितने भी। सो आपको अगर होटल लेना होगा तो ये हमें सराउंडिंग पड़ेगा, शिव मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, और उसके पास पूरे होटल्स ही हैं, और आप यहाँ से, आप देखिए ये होटल्स हैं, मेरा होटल भी यहीं पे है, ये मेरा होटल है जहाँ पे मैंने स्टे किया है। एंड यहाँ पे इस टाइम नियर अबाउट 8 बज चुके हैं रात के, और वेदर देखिए आप, और यहाँ पे मौसम जो है, जो टेम्परेचर 9 चला गया है इस टाइम, बहुत ठंड है गाइस, तो मैंने भी स्वेटर डाला हुआ है। और आप देखिए यहाँ पे लोग जो हैं वॉक के लिए निकले हुए हैं, यहाँ पे पैदल वॉक करना बहुत अच्छा लगता है सबको। सो आप देखिए
रोड्स कितने अच्छे हैं यहाँ यहाँ पे। एक मैं चीज़ें आपको कुछ चीज़ें आपको रिकमेंड करूँगी यहाँ पे, कुछ घोड़े वाले जो हैं वो आपको थोड़ा सा गाइड करते हैं कि आप घोड़ा करें, और हम आपको यहाँ से कुछ व्यूज़ दिखाएंगे। बट मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आप घोड़े पे मत जाइए, आप अपनी ही गाड़ी लें और अपना पूरा ट्रिप जो है वो गाड़ी से ही जितना भी है वो स्पेंड करें टाइम, क्योंकि घोड़ा हमें नियर अबाउट 1000 के आसपास ये मांगते हैं, बट बार्गेनिंग करके वो हमें 500-600 में पड़ जाता है। पहले होटल से और मैं अभी जा रही हूँ गंडोला, सो आपको भी लेके चलती हूँ गंडोला। सो वहाँ पे हम चलेंगे टिम्बल ट्रेन से, उसके मैं एक्सपेंसेस एंड ऑल थिंग्स आपको बताऊँगी। सो सामने एक छोटा सा व्यू आपको दिखाना चाहती हूँ, ये वो मंदिर है जो हमारी एक पुरानी पिक्चर थी जिसका नाम था आपकी कसम, जो जिसमें गाना था जय जय शिव शंकर कांटा लगाना कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया। यस, ये वही गाना है जहाँ पे ये शूटिंग हुई थी। सो आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं गाइस। अभी हम पहुंच चुके हैं इनके फर्स्ट पॉइंट पे, सो आगे मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे हम घूमते हैं। सो मैं वो भी व्यू आपको दिखाती हूँ। सो देखिए गाइस, ऐसे टिम्बल ट्रेन हमें ऊपर लेके जा रही है। सो हम अभी जा रहे हैं फर्स्ट पॉइंट पे, जो गंडोला का फर्स्ट, गंडोला से फर्स्ट पॉइंट जो है जहाँ पे हमें काफ़ी ठंड और मे बी स्नो भी मिल सकती है। सो वो वेदर के ऊपर है कि हमें स्नो मिलती है या नहीं। सो नियर अबाउट अगर हम लास्ट पॉइंट तक जहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ होती है, अगर हम लास्ट पॉइंट तक लें तो वहाँ पे अराउंड हमें टिकट पड़ती है पर पर्सन 1700। सो अपना बजट आप बना के आए। ये देखिए कुछ लोग वापस आ रहे हैं, अभी तो हम तो जा रहे हैं। सो आगे मिलते हैं। काफ़ी है कुछ खाने, वेदर देखिए गाइस, वेदर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वेदर है, क्राउड भी है दूर, आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे लोग कुछ खा पी सकते हैं। सो आप यहाँ पे जब भी आएँ, अगर आपका जल्दी प्लान बनता है तो यहाँ जब भी आप आएँ टिकट लें इसकी टिम्बल ट्रेन की गंडोला से, गंडोला के लिए। सो आप मास्क लगाना, जब मास्क लेके आना कभी भी मत भूलें। गाइस आपको गंडोला जाने के लिए यहाँ पे या फिर घूमने के लिए ऐसी बाइक्स भी मिल सकती हैं, तो ये थोड़ी सी कॉस्टली ज़रूर होती हैं, बार्गेनिंग कर सकते हो आप, तो ये भी अवेलेबल है। हेलो गाइस, तो मैंने आपको पूरा गुलमर्ग घुमा दिया है। सो आज मैं यहाँ से चेकआउट कर रही हूँ, सो मेरे साथ बने रहिए। अब हम चलेंगे श्रीनगर डल झील पे। सो डल लेक पे मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगी, इवनिंग टाइम पे पहुँचूंगी, बहुत अच्छा व्यू होगा गाइस, तो उस टाइम मैं आपके साथ फिर बनी रहूँगी। मेरे साथ बने रहिए आप, और मेरे वीडियोज़ को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।